नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं निष्ठा, शुरुआत हेडलाइन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज और मैं इनके सिंह पहुंचा हूं सहारनपुर के वार्ड नंबर 3, जहां के वायु प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार जी निर्दलीय खड़े हैं। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपने ने देखा होगा कि पहले भी ये समाज सेवी रहे हैं, लेकिन इस बार ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, जैसे नगर निकाय चुनाव में आपने देखा है कि पहले भी यहाँ से पार्षद रहे, बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं रणधीर बनवाल जी, लेकिन आप इस बार चुनावी मैदान में उतरे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? भाई, मैंने अपना मैनिफेस्टो जो है पब्लिक के बीच में जो है दे दिया है। पब्लिक उस पर निर्णय करेगी, उसको देख कर। वैसे हम जो है यहाँ पर जो है जीत की पोजिशन में है, संभावना है जो आने वाले टाइम में जो है अगर हम जीतते हैं यहाँ से जो है तो हम पूरी विकास की गंगा बहाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे मैनिफेस्टो में जो चीज लिखी हुई है उसको मैं पूरा यहाँ लागू करवाऊंगा। अध्यक्ष जी, चुनाव आते हैं विकास आता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विकास के धरातल पर मौजूद नहीं नजर आता है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, ये तो जो पुराने लोग जो बने हुए थे, ये तो उन्हीं ये क्वेश्चन उन्हीं से पूछना चाहिए आपको जो है कि उन लोगों ने विकास क्यों नहीं कराया। अगर साथियों, मैं जो है आपको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो विकास 100% होगा। मैं सामाजिक आदमी हूं और सामाजिक सेवा करूंगा यहाँ पे जो है। आपको वार्ड नंबर 3 में क्या क्या कमियां लगी? यहाँ पे बहुत सारी गलियां हैं जिनमें पानी भरा हुआ है, वो गलियां बननी चाहिए, जो सड़कें बननी चाहिए थी। यहाँ पे जो है नालियां टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत जगह मैंने देखा है गलियों में जाकर जो है वहां पे लाइट बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी यहाँ पे बीएसपी के पार्षद रहे हैं और आप बीएसपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उसके बावजूद भी आपको क्या कमियां लगती हैं? अब मैं कार्य बीएसपी का कार्यकर्ता होने के नाते वैसे तो मैं फिलहाल जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन उन लोगों को चाहिए था यहाँ पे जो है कि वो विकास कराते, स्ट्रीट लाइट लगवाते, दूसरे जो लाइब्रेरी खुलवाते, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाते, जो है गरीब लड़कियों के लिए जो है ना कुछ करना चाहिए था उनके साथियों में जो है एडजस्टमेंट। नहीं, आपने पिछली बार आप खुद मीडिया से लाइव हुए थे, आपने कहा था कि बीएसपी के कार्यकर्ता को वोट दो और हम विकास कार्य करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दो बार यहाँ से कैंडिडेट बीएसपी के रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो पाया और आप खुद चुनावी मैदान में उतरे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, पिछली बार जो है ना जो हम लोगों ने उसका साथ दिया है, हम धोखा खाए हैं सभी लोग, सारे वोटर वार्ड के, इस बार जो है धोखा खाने की पोजिशन में नहीं है। हम चाहते हैं कि जो है ना यहाँ का जो वोटर है वो अपने तरीके से जो है ढंग से अपना जो है वोट का इस्तेमाल करें, जिससे एक अच्छा प्रत्याशी जो है ना सामने आए और वो इस वार्ड का पूरा विकास कराए। ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव जीतने के बाद आप पब्लिकों के बीच में नजर ही ना आए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं शपथ लेके उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।